हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं डीओसीएस मूवी के बारे में, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम एक पार्टी में एंड्रिया और डियोगो को देखते हैं, जहां एंड्रिया एंजॉय करते हुए हर दूसरे लड़के के साथ किस शेयर कर रही थी, जो कि उसका भाई डियोगो भी देख रहा था। इसलिए वो इस बारे में एंड्रिया से बात करने जाता है कि आखिर वो किस तरह की लड़की है जो कि किसी के साथ भी आसानी से फिजिकल हो जा रही है। लेकिन उसके इस बात पर एंड्रिया ध्यान नहीं देती और उसे अकेले ही घर जाने को कहती है, जिसके बाद डियोगो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें डियोगो का घर दिखाया जाता है, जहां किसी तरह की पार्टी चल रही थी। दरअसल डियोगो के फादर ने अपनी नई गर्लफ्रेंड एलिसा के साथ लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट करने की खुशी में पार्टी दी हुई थी, जहां हम देखते हैं कि एलिसा डियोगो के फादर से आधी उम्र की थी। यहां हमें ये पता चलता है कि डियोगो के फादर का नाम अगस्टीन है, जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। तभी वहां पर डियोगो आता है, जिसे उसके फादर एंड्रिया को साथ ना लाने के लिए डांट लगाते हैं, जो कि डियोगो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और वो सीधा किचन में चला जाता है, जहां नैली और इनेस नाम की दो मेड काम कर रही थी। और हमें नैली और डियोगो की बातों से पता चलता है कि नैली डियोगो को अपने बेटे की तरह मानती है। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है और अब तक एंड्रिया घर नहीं पहुंची थी, इसलिए ऑगस्टीन डियोगो को उसकी बहन को लेकर आने के लिए भेजता है और डियोगो को न चाहते हुए भी एंड्रिया को लेने जाना पड़ता है, जो कि पार्टी के बाद वहां नशे में धुत पड़ी थी, जिसे डियोगो वहां से जबरदस्ती उठाकर लेकर आता है। और हम अगले ही पल में डियोगो, ऑगस्टीन, एलिसा और एंड्रिया को साथ में नाश्ता करते हुए देखते हैं, जहां ऑगस्टीन एंड्रिया को एलिसा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन बदले में एंड्रिया एलिसा की बेइज्जती कर देती है। साथ ही ऑगस्टीन एंड्रिया को आज के दिन कहीं भी जाने से मना करती है, क्योंकि आज संडे था। साथ ही वो डियोगो को कल से ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जो कि उसे ना चाहते हुए मानना पड़ता है। और ऑगस्टीन के जाने के बाद एंड्रिया और डियोगो एक दूसरे के ऊपर खाना फेंक कर भाई बहन की तरह एक दूसरे से मजाक करते हैं, जो कि एलिसा को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद एंड्रिया अपने डैड की बातों को न मानते हुए अपने दोस्तों को फोन करके फिर से उनके साथ जाने का प्लान करने लगती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि डियोगो कहीं ना कहीं अपनी ही बहन एंड्रिया की तरह फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा था। जिसके बाद अगले दिन डियोगो ऑगस्टीन के कहे अनुसार ऑफिस जाता है, जहां उसे वहां देखकर उसके डैड काफी खुश होते हैं और अगले दिन से फैक्ट्री में आने के लिए कहते हैं, ताकि वो उनके बिजनेस को अच्छी तरह से समझ सके। साथ ही वो डियोगो को इसके बदले एक बढ़िया सी कार दिलाने का वादा करते हैं, जिससे वो काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ एलिसा इस बड़े से घर में अकेली बोर हो रही थी, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी, इसलिए ये सब उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। जिसके बाद उसके पूछने पर नैली उसे उनके पड़ोसियों के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि उसे भी उनकी पार्टीज में शामिल होना चाहिए, तभी जाकर वो इस हाई क्लास का हिस्सा बन पाएगी। इसके बाद हम उसे एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ एलिसा को वहाँ होने वाली बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अब हमें एंड्रिया को दिखाया जाता है, जो कि प्रेग्नेंट है, जिस बारे में उसे भी पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस बच्चे का बाप कौन है। साथ ही उसकी प्रेगनेंसी 8 हफ्तों से ज्यादा की हो गई थी, इसलिए वो अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती थी, क्योंकि इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अब एंड्रिया अपने दोस्तों को अपने ही घर में पार्टी देती है, जहां वो डियोगो से बर्फ लाने के लिए कहती है, लेकिन डियोगो को रोककर उसका दोस्त बर्फ लाने जाता है, जहां वो किचन में इस बहाने इनेस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर डियोगो आ जाता है, इसलिए उसके दोस्त को वहां से जाना पड़ता है। हालांकि डियोगो जान गया था कि वो इनेस के साथ क्या हरकत कर रहा था, इसलिए वो इनेस से इस बारे में पूछता है, लेकिन इनेस उसे कुछ भी नहीं बताती, जिस बात से डियोगो को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि अगर इनेस इस बारे में कुछ बोलती तो शायद ऑगस्टीन उसे जॉब से ही निकाल देता, क्योंकि वो लड़का भी किसी बड़े बिजनेसमैन का ही बेटा था और एक मेड की वजह से वो उससे अपना रिलेशन खराब नहीं करता। इसके बाद पार्टी खत्म हो जाने के बाद जब सब नशे में धुत होकर सो जाते हैं, तो मौका देखकर डियोगो एंड्रिया के कपड़े उतारने के बाद वहां उसे इस तरह देखते हुए मास्टरबेट करता है, लेकिन इसके बाद उसको अपनी गलती का पछतावा भी होता है और उसने अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचा। ये सोचकर काफी रोता है, जहां उसे नैली संभालती है और अपने साथ वॉलीबॉल खेलने के लिए इनवाइट करती है, जिस वजह से कुछ ही देर में डियोगो सब कुछ भूल जाता है। अब हम एलिसा को देखते हैं, जो कि मिस टीडो की प्लांट्स एग्जीबिशन में जाती है, पर क्योंकि उसे प्लांट्स वगैरह के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो वहां भी सबके साथ सिर्फ घुलने मिलने की ही कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ डियोगो अपने फादर के कहने पर फैक्ट्री आता है, जिसे दिखाने के बाद ऑगस्टीन उसे एक मीटिंग में ले आता है। इधर एलिसा भी इस नए माहौल में घुलने मिलने की कोशिश में अकेले में ही शीशे के सामने खड़ी होकर बात करने की प्रैक्टिस करती है। तभी वहां पर मेड आकर उसे कुछ बुक्स देकर जाती है, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में कई सारी बातें लिखी हुई थी, और क्योंकि वो भी सबसे इस बारे में बातें कर पाए, इसलिए वो उन सारी किताबों को पढ़ने लगती है। फिर हमें एंड्रिया को दिखाया जाता है, जो कि अपने प्रेग्नेंट होने की
बात अपने दोस्तों से शेयर करती है, जिस दौरान वो सब मिलकर सोचती हैं कि एंड्रिया कब कब और किसके साथ इंटीमेट हो चुकी है, ताकि उन्हें इस बच्चे के फादर का पता चल पाए। पर इसके बावजूद भी एंड्रिया को कुछ भी याद नहीं आता और वो फिर वहां से एक पार्टी में जाती है, जहां से नशे में ड्राइवर उसे लेकर घर आता है, जिसके बारे में जैसे ही डियोगो को पता चलता है वो तुरंत जाकर पहले तो एंड्रिया को देखता है, लेकिन फिर बाद में उसके कपड़े उतार कर उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है। जिस दौरान एंड्रिया को होश तो आ जाता है, और नशे में होने के कारण वो अपने पूरे होशो हवास में नहीं थी, जिस वजह से डियोगो को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो एंड्रिया को छोड़कर रोने लगता है, जिसे एंड्रिया तुरंत माफ करके चुप कराने की कोशिश करती है। हालांकि वो अभी नशे में थी, इसलिए वो अगले ही पल सो जाती है, जिस वजह से अगली सुबह एंड्रिया और डियोगो एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। इसके बाद आखिरकार एंड्रिया अपनी प्रेगनेंसी के बारे में ऑगस्टिन को बता ही देती है, इसलिए ऑगस्टिन उसे हमेशा के लिए मियामी भेजने का फैसला करता है। साथ ही वो एलिसा से इस बारे में बताते हुए कहता है कि उन्हें दुनिया के सामने एंड्रिया के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना होगा, जो बात एलिसा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये उसके लिए अच्छा मौका था, इसलिए वो झूठ के बदले ऑगस्टिन को उससे तुरंत शादी करने के लिए बोलती है, जिस दौरान वो 6 महीने के लिए साथ में पेरिस में रहेंगे, जिसकी इस शर्त को ऑगस्टिन मान जाता है। वहीं एक पार्टी के दौरान डियोगो एंड्रिया से पिछली रात के बारे में बात करने की कोशिश करता है, और एंड्रिया उसे ये बोलकर डांट देती है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जाहिर है कि एंड्रिया ने झूठी बोला होगा। इसके बाद एंड्रिया बिना किसी को बताए मियामी चली जाती है, जहां पहुंचने के बाद वो कुछ दिन बाद डियोगो को कॉल करके बताती है कि वो मियामी में है, और फिर डियोगो को एंड्रिया के दोस्त से उसकी प्रेगनेंसी की खबर मिलती है, जो जानकर वो काफी शॉक होता है। वहीं दूसरी तरफ एलिसा अपने घर जाकर उन्हें अपनी शादी के बारे में बताती है, और क्योंकि वो पेरिस में शादी कर रही थी, इसलिए वो चाहकर भी किसी को नहीं बुला सकती है। हालांकि उसने ये पेरिस वाली शर्त इसलिए रखी थी ताकि उसकी शादी में उसे जानने वाला कोई ना आए, क्योंकि अगर कोई आता तो उसके गरीब होने की वजह से एलिसा को शर्मिंदा होना पड़ता। अब सीन यहां से कुछ महीने आगे शिफ्ट होता है, जहां हम ऑगस्टिन के घर एक पार्टी होते हुए देखते हैं, और अब तक डियोगो भी अपने फादर के बिजनेस में उनका हाथ बटा रहा था। साथ ही एलिसा और ऑगस्टिन ने एंड्रे के बच्चे को गोद ले लिया था, और दुनिया के सामने वो ही उसकी असली माता पिता थे, लेकिन कहीं ना कहीं सभी को इसके पीछे की असलियत पता थी, जिस बारे में सभी पार्टी में गॉसिप कर रहे थे। जहां डियोगो भी अब पूरी तरह से इस नए रंग ढंग में पूरी तरह ढल चुका था, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।